हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सिंपल कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करना बताऊंगी। इसके लिए हमने ये रियोन का फैब्रिक और एक ये कॉटन का हमने पेचवर्क का कपड़ा लिया है, जिसको हम इसके ऊपर अटैच करके एक सुंदर सा डिज़ाइन देंगे। ये कुर्ती बहुत ही डिज़ाइनर बनने वाली है। इसके लिए हमने ये कपड़े को लेंथ वाइज बिछा लिया है और उसको हमने फोर फोल्ड बिछाया है। देख सकते हैं जितनी हमको लेंथ चाहिए उस लेंथ में कुछ बिछा लिया है। यहाँ से हम आर्महोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, 6.5 इंच पे लगा सकते हैं आप, क्योंकि 1/2 इंच हम ऊपर देंगे। कमर का हम 14 इंच पे और हम हिप राउंड के लिए 20 इंच पर निशान लगा देंगे। आप चाहें तो शोल्डर के यहाँ से 14 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। इन सभी निशान्स को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं हम सभी निशान मिला लिया है। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 15 इंच है तो हम 7.5 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हम बॉट नेक रख रहे हैं और शोल्डर हमें चौड़े चाहिए, तो हम इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे, जो कि सिलाई का मार्जिन होगा हमारा। और यहाँ से भी हम वही 7.5 पर निशान लगा देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारे शोल्डर ज़्यादा चौड़े होने के कारण हम नीचे से 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए बैक शोल्डर का निशान और 1/2 इंच और ज़्यादा लेते हुए हम फ्रंट शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस साइड से। तो हमने 2 लाइन खींच ली है, एक फ्रंट शोल्डर के लिए और एक ये हमने बैक शोल्डर का निशान लगा लिया है। और आगे वाली लाइन से हम फ्रंट शोल्डर का निशान लगा लेंगे गोले से। अब यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से हम गला 4.25 का रखेंगे। हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 32 इंच है तो हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे और इसमें हम 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं कमर हमारी 28 की है तो हम 7 इंच पर मार्क कर देंगे। 1/2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे और 2 इंच सिलाई का मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे हिप राउंड 34 की है तो हम 8.5 पर मार्क कर देंगे, उसमें 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह हम ये हमारे फिटिंग का मार्जिन और ये हमने कपड़े का मार्जिन दोनों को निशान लगा दिया है। अब इसके हम अच्छे से कटिंग कर देंगे। उसके लिए नीचे से हम इसको स्ट्रेट मिला लेंगे उसी ऊपर के निशान से और इसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक आर्मोल की कटेंगे, फ्रंट आर्मोल की कटिंग हम बाद में करेंगे। और ये स्ट्रेट कपड़े को अच्छे से काट लेंगे हम और बीच में ये कट्स लगा देंगे हमारे कमर के निशान के और हिप राउंड के। इससे हम ये हमारा बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को जमाते हुए फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसी से हमने ये अस्तर का पीछे का भाग भी काट लिया है सेम इसी को रखते हुए। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, इसलिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड बिछा लिया है लेंथ वाइज जितनी हमको लेंथ चाहिए। उसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे आस्तीन का गोलाई देने के लिए और एक तीसरा निशान मिलाते हुए और एक शेप ड्रॉ कर देंगे आस्तीन का। ये अंदर की साइड की गोले की फिटिंग निशान भी लगा लिया हमने। यहाँ से हम आस्तीन की गोले की फिटिंग लगाएंगे 5 इंच पर और 2 इंच इसमें 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है तो टोटल ये हमारे 6.5 इंच हो गया है। इसको तिरछा मिला लेंगे अच्छे से। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। अब इसकी हम लेंथ बताते हैं। लेंथ हमने इसकी 17 इंच रखी है क्योंकि हम इसको हम 15.5 रखेंगे तो हमने 17 इंच कर लिए। 1.5 इंच में फोल्डिंग का जाएगा और 1/2 इंच पीछे से जाएगा, इसलिए हमने इसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया है। और हमने आगे कटिंग की कटिंग फ्रंट कटिंग भी कर दी है। इसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए बीच में हम कट लगा देंगे ताकि हम आस्तीन लगाने में दिक्कत नहीं आए। अपने कपड़े के ऊपर पैच वर्क लिया है, इसको हम इस कपड़े पर अटैच करने से पहले हम इसको हम लेस लगा कर अच्छे से रेडी करेंगे। इसके लिए हमने ये व्हाइट कलर की लेस ली है।
इसको हम इस पैच वर्क के ऊपर अटैच कर देंगे अच्छे से, जिससे इसका लुक और भी अच्छे से आएगा। एक सिंपल कुर्ती पर डिज़ाइन कुर्ती बन जाएगी। इस तरह आपको लेस को अटैच करना है अच्छे से। हम नीचे थोड़ी जगह छोड़ी है क्योंकि नीचे हम दूसरी लेस अटैच करेंगे, टेसल्स वाली लेस है वो। इस तरह आपको तीनों कोनों पे लेस लगा लेनी अच्छे से, ऊपर वाली लाइन छोड़नी है। अब नीचे की साइड से हम ये टेसल्स वाली लेस लगाएंगे मोड़ते हुए, इससे मैं कुर्ती का लुक अच्छे से निकल के आएगा। इस तरह आप भी पैच वर्क रेडी कर सकते हैं। ये हमने लेस लगा दी अच्छे से, ये हमारा पैच वर्क रेडी हो गया है। अब इसको हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। बीच में हमने क्रीज लाइन बना ली है और इसको अच्छे से अटैच करेंगे। पहले हम ये पिंस को लेकर लगा लेंगे, जिससे कि ये हिलेगा नहीं हमारा और अच्छे सेट रहेगा। देख सकते हैं हमने सारी पिंस को लेकर अटैच कर दिया है। एक सिलाई हम बीच में लगा लेंगे, हमने बीच की सिलाई लगा ली है। अब इसके हम साइडों में सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। लेस लगाने से इसका लुक और भी अच्छे से आ गया है, देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह आप भी अलग कपड़े से पैच वर्क लगा सकते हैं। अब हम गला काटेंगे। ये 4.25 पर लिया है हमने चौड़ाई इसकी, और लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट का गला हम बड़ा रखने वाले हैं थोड़ा सा, और बीच में हम साइड कट देने वाले हैं। इधर से भी हम 4.25 निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। इसमें अच्छे से गोलाई दे देंगे हम बॉटनेक जैसे, और यहाँ से इनको काट देंगे गले को। और ये 2.5 इंच का हम कट लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें 2.5 इंच का कट लगाने वाले हैं और इसमें डोरी लगाएंगे। ये देख सकते हैं हम 2.5 इंच पे कट लगा दिया है। इसके अंदर हम डोरी अटैच करेंगे। इस तरह की ये डोरी आती है, इसको हम अटैच करेंगे। अंदर की साइड हमने बना ली है पतली पतली, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, हमने डाल रखी है। हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इस अस्तर के फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगाएंगे गले गले में, और यहाँ पे हम ये पतली डोरी को अटैच करेंगे कॉर्नर पे अंदर की साइड से, ताकि अंदर से हमारी हो जाए और ये बहुत सुंदर लगेगी निकलने के बाद। यहाँ से हम अच्छे से मोड़ते हुए ये दूसरी डोरी पे अटैच कर देंगे। कॉर्नर पे अटैच करना है आपको। इस तरह आपको गले में एक अच्छे से राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। इसकी कटिंग कर देंगे हम और नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे। ये नोचेस लगाना बहुत ज़रूरी है, और बीच में हम कट कर देंगे अच्छे से, ताकि कुर्ती अच्छे से फोल्ड हो जाए। लास्ट तक नोच लगाना आपको अच्छे से। अब इसको डोरियों को पकड़ के खींचना है, जिससे कि इसके कॉर्नर अच्छे से निकल जाएंगे। ये देख सकते हैं हम दोनों डोरियों को खींचते हुए दोनों कॉर्नर्स को निकाल लिया है। कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये पेच वर्क। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अच्छे से कपड़े को मोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे। किनों किनों पर सिलाई लगानी है आपको अच्छे से, सुंदर सुंदर। अब हम बैक गले के लिए भी वही निशान लगाएंगे 4.25 पे। इसकी हम डीपनेस कम रखेंगे, इसकी डीपनेस हमने 2.5 इंच रखी है, क्योंकि हमको बैक गला छोटा चाहिए। और इसमें हम गले का निशान लगा देंगे, उसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो इसमें लिप्स का पैटर्न भी दे सकते हैं। इसको हम मेन फैब्रिक पर अटैच करते हुए गोले से अच्छे से गला बना लेंगे और बीच से इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें छोटे नोचेस लगा देंगे और इसको पलट कर हमने ऊपर से फ्रेश सिलाई मार दी है, देख सकते हैं। अब हम ये दोनों को शोल्डर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच करते हुए शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। इस तरह आपको दोनों शोल्डर की सिलाई लगा देनी है अच्छे से, देख सकते हैं हमने दोनों शोल्डर की सिलाई लगा दी है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन पहले हमने इसके आगे लेस से डिटेलिंग कर दी है। अब इसका हम बीच पार्ट रखते हुए दोनों साइड को अटैच कर देंगे लेस से।
बराबर करते हुए दोनों साइड से हम आस्तीन को लगा देंगे। इस साइड से भी आस्तीन को अच्छे से लगा देंगे हम। ये हमने दोनों साइड से आस्तीन को अटैच कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब हमने कपड़े के बिछा करे हुए फिटिंग का निशान लगा दिया है चारों तरफ से, देख सकते हैं। और ने इसकी स्टिचिंग कर दी है, क्योंकि उसकी वीडियो में स्किप कर दी थी कि बहुत लंबी हो जाएगी। नीचे की साइड हमने ये वाइट पर की पट्टी लगा दी है, जिससे कुर्ती का लुक और भी अच्छे से आया है। इस तरह हमने फिटिंग लगा दी है, और हमने ये डोरी के अंदर टेसल्स लगा दिए हैं इसी कपड़े के मैचिंग के। इस तरह ये कुर्ती में रेडी हो गई है, देख सकते हैं। इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप। इस तरह आप एक सिंपल कपड़े को भी पेच वर्क लगाकर एक सुंदर सा डिज़ाइन दे सकते हैं। ये कुर्ती आपकी बहुत ही एलिगेंट लगेगी। अगर आपको ये कुर्ती का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर कुर्ती बनाने की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।